हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और मैच में। पांचवा मैच वर्ल्ड कप का कह सकते हैं 2019 का, जो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाना है, उसके हाइलाइट्स के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको हर मैच में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले फील्डिंग करने का फैसला कर रही है, तो इसमें भी यही हुआ। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यहाँ पे आती है बांग्लादेश की टीम ओपनिंग करने। जैसा कि आपने देखा, एशिया की सारी टीमें, हम बात करें पाकिस्तान की या फिर बात करें हम श्रीलंका की, दोनों टीमें लगभग 105-135 के स्कोर पे यहाँ पे ऑल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने स्टार्ट किया, जो स्टार्ट थोड़ा सा खराब रहा, लेकिन जो आगे जो बैट्समैन है वो संभल कर खेले, वही उसका फायदा मिला, तो बांग्लादेश यहाँ पे 330 का स्कोर कर सकी। बात करें तमीम के, तमीम ने 16 रन बनाए 29 गेंदों पर, यहाँ पे ओपनिंग करने आए थे लेकिन वो फेलिक्यो के शिकार हो गए। उसके बाद सौम्य सरकार 30 गेंदों पर 42 रन बना के क्रिस मॉरिस के शिकार हुए। वहीं पर साकिब की बात करें तो साकिब हसन ने 75 रन बनाए 84, यानी कि 84 गेंदों पर 75 रन बनाए, 8 चौका और 1 छक्के की मदद से, और वो बोल्ड हो गए इमरान ताहिर के गेंद पे। उसके बाद रहीम की बात करें, जो विकेट कीपर है बांग्लादेश के, उन्होंने 78 रन बनाए 80 गेंदों पे। उसके बाद मिथुन ने 21 रन बनाए 21 गेंदों पे, महमूद अल्लाह ने 33 गेंदों पे 46 रन बनाए, और उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे मुश्ताक हुसैन ने 26 रन बनाए 20 गेंदों पे। मेहदी हसन की बात करें तो 3 गेंदों पे 5 रन बनाए। इस प्रकार से बांग्लादेश की पूरी टीम 330 रन बना सकी 6 विकेट के 50 ओवर में। अब बारी आती है यहाँ पे बॉलिंग की, बॉलिंग देख लेते हैं तो दक्षिण अफ्रीका की जो बॉलिंग रही वो ताहिर 2 विकेट, क्रिस मॉरिस 2 विकेट और फलिक्यो 2 विकेट, और किसी भी गेंदबाज को यहाँ पे सफलता देखने को नहीं मिली। अब बांग्लादेश की बात करें तो 330 रन बना के यहाँ पे पारी उनकी समाप्त हुई। अब आती है साउथ अफ्रीका की बारी, 331 रन बनाने थे जीत के लिए। देखते हैं क्या साउथ अफ्रीका यहाँ पे 330 रन बना पाती है। अब बारी आती है यहाँ पे डिकॉक और मारकर्म की, तो ओपनिंग करने आते हैं। बात करें डिकॉक 23 रन बना के यहाँ पे रन आउट हो जाते हैं, रहीम ने इनको रन आउट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बात करें मारकर्म, जो जिनको शौकी बलसन ने अपना शिकार बनाया 45 रन बना के, दोनों ये आउट हो जाते हैं। यहाँ पे मारकर्म 45 रन मारकर्म ने बनाए और डिकॉक ने यहाँ पे 23 रन बनाए। उसके बाद बारी आती है डुप्लेसी, डुप्लेसी जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, डुप्लेसी ने यहाँ पे 62 रन बनाए 53 गेंदों पे, 5 चौके और 1 छक्के की मदद से वो हसन के शिकार हो गए, मेहदी हसन के शिकार हो गए। उसके बाद मिलर की बात करें तो 43 गेंदों पे 38 रन बना के वो भी मुस्तफिक के शिकार हो गए। उसके बाद डसन की बारी आई, 38 गेंदों पे 41 रन बनाए, डुमनी ने 37 गेंदों पे 45 रन बनाए, फेलिक्यो ने 13 गेंदों पे 8 रन बनाए, क्रिस मोरिक जो 10 गेंदों पे 10 रन बनाए, रबाडा की बात करें 9 गेंदों पे 13 रन बनाए, और ताहिर की बात करें 10 गेंदों पे 10 रन, दोनों नॉट आउट रहे लबाड़ा और ताहिर। इस प्रकार से बात करें पूरी टीम 50 ओवर में सिर्फ 309 रन बना सकी, और यहाँ पे जो बांग्लादेश है ये मैच को जीत लिया 21 रन से। तो ये रहा पांचवें मैच का हाल। बात करें बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, वहीं पे मुस्तफिर रहमान ने 3 विकेट लिए, मोहम्मद सफीदुन ने 2 विकेट लिए, साकिब अल हसन ने 1 विकेट लिए और मेहदी हसन ने 1 विकेट लिए। तो यहाँ पे बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब यहाँ पे टीम इंडिया की बारी बात करें तो 5 तारीख को टीम इंडिया का मैच है, देखते हैं 5 तारीख वाले मैच में क्या होता है। तो यहाँ पे एशिया की टीम कह सकते हैं बांग्लादेश यहाँ पे मैच जीतती हुई दिख रही है। अब आगे देखते हैं इंडिया वाले मैच में क्या होता है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।